How are you feeling? कितना सारा निकला मालूम है गेस्ट रोल? गुड इवनिंग एवरीवन। और सुबह मैं 11 बजे उठ गई थी, 1:15 बजे ओटी से वापस आई हूँ और एवरीथिंग इज़ फाइन। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में पीछे लेज़र किया तो थोड़ा सा कट से स्टिचेज है, तो दैट इज़ पेनिंग लिटिल बिट। और प्लस आने के बाद से सलाइन ग्लूकोज तो चालू ही है। और अभी मैंने जस्ट थोड़ा सा टमाटो सूप पिया क्योंकि मुझे कुछ खाने की इच्छा ही नहीं हो रही है। और जब से मुझे लाया तब से वो स्ट्रेट ही सुला के रखा था क्योंकि बैक पे इंजेक्शन दिया है ना वो स्पाइन पे, तो आप वो ज़्यादा मूवमेंट अब नहीं कर सकते। तो अभी मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया तो बोले ठीक है थोड़ा सा बेड ऊपर ले लो। तो सूप पीने के लिए बेड ऊपर लिया था तो हो गया, अभी 5 मिनट हो गया सूप पी के, हो गया थोड़ा सा ही पिया। सूप भी मेरे से जा नहीं रहा क्योंकि ग्लूकोज वगैरह ऑन है तो उसमें ही हो जा रहा है काम। तो अभी बस 5 मिनट के बाद नीचे वापस कर देंगे 9:30 को, और फिर 9:30 को निशु घर जाएंगे डिनर करने के लिए, और फिर डिनर करके वापस आएंगे क्योंकि आज रात को तो मुझे निशु की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि पेन हो रहा है। अगर यहाँ से वहाँ टर्न भी होना हो थोड़ा तो मुझे निशु की हेल्प लग रही है, आई कॉन्ट टर्न माई सेल्फ क्योंकि बैक पूरा हैवी हो गया है, पेन हो रहा है मुझे मोमेंटम करने में। सो उसके अलावा सब कुछ ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं सिर्फ यही सोचूँ कि ये रात कैसे जल्दी निकले क्योंकि वो मुझे सीधा सो के ना बहुत तकलीफ़ हो रहा है। एक तो मुझे पहले से बैक पेन है राइट, जिसकी वजह से ये सब पता चला कि स्टोन हो गया है, और ऊपर से लेफ्ट हैंड साइड में कट भी है, प्लस मुझे स्ट्रेट सोने के लिए ही बोला है। तो ये तीन चीज़ मेरे को इतना डिफ़िकल्ट हो रहा है ना अभी हैंडल करने के लिए कि मैं बस यही प्रेयर कर रही हूँ भगवान से कि जल्दी से ये रात जल्दी जल्दी कट जाए ताकि सुबह एटलीस्ट मुझे ऐसा थोड़ा बिठा के भी रखेंगे ना, सॉरी, तो आई विल फील लिटिल बेटर। भगवान किसी को भी हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस ना दे, इट इज़ वेरी डिजास्टर। ओटी के बजाय आपको इंजेक्शन देते तो यू कांट मूव, मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट तो यही होता है। सानू के डिलीवरी के टाइम पे भी मुझे यही प्रॉब्लम हो गया था, सीजरियन किया था तो डिलीवरी करके आ गई थी तो सानू बाजू वाले बेड पे थी और मैं ये वाले बेड पे थी, ऐसे ही सीधा सीधा लेटे हुए, तो दैट नाइट वॉज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। और आज का ये दूसरा नाइट मैं भगवान से प्रे करूँ ऐसा किसी बार कभी मेरी ज़िंदगी में नहीं है और आप में से भी किसी की ज़िंदगी में नहीं है। तो अभी नीचे जाएंगे घर, जा मैंने कहा थोड़ा आप लोग को अपडेट दे दूँ। आई नो आप लोग भी बहुत मेरे लिए कंसर्न हो, टेंथ हो, प्रेयर मेरे लिए इतना प्रेयर कर रहे हो, बट येस ओवरऑल एवरीथिंग इज़ गुड। मम्मी डैडी भी आए थे मिलने के लिए, शाम को आए थे निशु के साथ। निशु जब घर गए थे तो मम्मी आई थी, डैडी थे, बैठे थोड़ा देर बातें किए। मम्मी भी बोली हिम्मत रखना सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले, जल्दी घर आ जाएगी। तो अभी जो मेरा कॉर्ड रखा है ना यहाँ पे, क्या मैं भूल गई नाम उसका, इंसर्ट करके रखा है, दैट दे गोइंग टू कीप इट फॉर 48 आवर्स। दोपहर को बोल रहे थे कि नहीं आपको पाइप अंदर डाल देंगे और घर पे भेज देंगे 2 दिन के बाद और फिर 1 वीक के बाद बुलाएंगे। बट ओटी में ऑपरेट होने के बाद डॉक्टर डिसाइडेड कि कुछ एक काय ठेवले थे स्टेन, हाँ सॉरी मेरे को नाम ही नहीं याद आ रहा था। तो वो ही सेड के नहीं 48 आवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन ही रखेंगे और फिर यहाँ से आपको निकाल के यूरिन एक बार क्लियर होने लग जाएगा, देन विल गिव यू डिस्चार्ज। तो जहाँ मैं मंडे डिस्चार्ज होने वाली थी आई थिंक इट विल गो ऑन ट्यूसडे। तो डॉक्टर लाइक एक ही बार करा के जाओ ना, जाना आना मत करो। तो निशु बोले ठीक है कर लेते हैं। सो चलिए अभी के लिए आप लोगों को गुड नाइट, मैं अभी आगे तो कुछ ब्लॉग नहीं करूँगी शायद, कल सुबह ही करूँगी। और बेचारे निशु मुझे इतना कब से ये करने की कोशिश कर रहे हैं, मनाने की मतलब बी काम, डोंट वरी, डोंट टेक टेंशन, डोंट पैनिक, बिकॉज ही नोज मी इन एंड आउट हाउ आई एम। अभी निशु नहीं होते यहाँ पे तो मैं बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करती, बट नाउ ही इज़ देयर तो मुझे बोलते ना मेंटली मॉरली बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। बार बार निशु को देख रही हूँ ना तो अच्छा लग रहा है, निशु को देख रही हूँ ना तो अच्छा लग रहा है। तो अभी बस थोड़ी देर के लिए निशु जाएंगे, खाना खा के आएंगे और फिर मेरे पास ही रहेंगे रात भर, फिर सीधा सुबह जाएंगे।
सो आप लोग को गुड नाइट, मैं मिलती हूँ आप लोग को कल, अगर मैंने कल ब्लॉग किया तो कुछ भी ऐसा बिट्स एंड बीट में कुछ शूट किया तो। वैसे मुझे शूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई मुझे कुछ बोल भी नहीं रहा है, एंड प्लस आई एम ऑल्सो फीलिंग ओके, ऐसा कुछ नहीं, सलाइन लगाया हुआ रहता है, वो धीरे धीरे अपना काम करता रहता है, और मैं तो लेटी हुई रहती हूँ, तो इसलिए ऐसा सोचती हूँ कि भले मैं हॉस्पिटल में, लेकिन एटलीस्ट आप लोग से थोड़ा बात करती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है कि येस, मतलब क्योंकि मेरे को भी रोज़ का व्लॉगिंग करके आदत हो गया, एंड दिस इज़ नॉट अ वेरी सीरियस कंडीशन जहाँ मैं एकदम आईसीयू में पड़ी हूँ और मुझे बोला नहीं जा रहा, ऐसा केस नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग गलत मत समझना कि हॉस्पिटल में और फिर भी व्लॉग्स बना रही, ऐसा नहीं है। आप लोग से बात करके तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग वेरी बेटर, और इसीलिए मैं जो बीच एंड बीच में बीच बीच में आप लोग से बात करने का मौका मिलता है ना तो कर लेती हूँ। अभी भी आप लोग से बात कर रही हूँ ना तो मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है। तो यस, गुड नाइट, मैं मिलती हूँ आप लोगों को अभी आगे जब भी व्लॉग शूट करोगे तब। बाय बाय। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, और आज मेरा फिफ्थ डे है एंड टुडे इज़ द लास्ट डे, आज डिस्चार्ज मिलने वाला है। दो दिन तो मेरी हालत थोड़ी बिगड़ी हुई थी, आई वाज नॉट फीलिंग वेल, आई वाज नॉट फीलिंग ओके, आई वाज नॉट फीलिंग लाइक ईटिंग एनीथिंग, आई वाज नॉट फीलिंग लाइक टॉकिंग टू एनीबॉडी, इसके लिए मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं किया, एंड दो दिन से आराम किया, मतलब जो भी प्रोसीजर चल रहा था वही ग्लूकोज इंजेक्शन वगैरह वगैरह वही सब हो रहा था। और कल मेरा जो पीछे लेज़र का जो पाइप डाला था लेज़र करके, वो कल निकाल दिया स्टैंड, और वहाँ पे दो टाका आया है, तो वो रिमूवल के लिए मुझे आना पड़ेगा टाका निकालने के लिए, और प्लस अंदर से नीचे से भी एक स्टैंड डाल के रखा हुआ अंदर किडनी के पास, ताकि कुछ भी एक्स्ट्रा कचरा वचरा सब उसमें आ जाए। और आफ्टर 2 वीक्स आई हैव टू कम बैक अगेन टू गेट एडमिटेड फॉर जस्ट फॉर 1 डे, सुबह आना है और शाम तक डिस्चार्ज हो जाएगा, तो वो आई थिंक 2 हफ्ते के बाद ही, तो 2 हफ्ते तक थोड़ा ऐसे ही मेरा कंडीशन नरम गरम ही रहने वाला है। तो अभी इट्स 8:15 राइट नाउ, निशु अभी 7:30 बजे गए, मैंने ब्रश किया, नाश्ता किया, एंड टुडे आई एम फीलिंग वेरी मच बेटर ओके, एंड फीलिंग वेरी हैप्पी दैट आई एम गोइंग बैक होम, माई स्वीट होम, क्योंकि आई एम रियली मिसिंग माई होम। और हॉस्पिटल में मुझसे रहा नहीं जा रहा है, आई एम गेटिंग, मतलब मुझे एकदम हाइपर हो रहा है, एकदम इन पेशेंट जैसा हो रहा है, वॉन्ट टू जस्ट गो होम। तो अभी आज मेरा जो यूरिन पाइप है वो भी निकाल देंगे, ये IV लगाया वो भी निकाल देंगे, एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। सो थोड़ा मुझे मोमेंटम में डिफ़िकल्ट हो रहा है यहाँ से वहाँ मूव होने में, तो ये पेन हो रहा है नीचे बैक के पास, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ फाइन ओके सेटल। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द डॉक्टर टू कम, आई थिंक वो आएंगे 9-10 बजे तक ग्राउंड पे, उसके बाद जो भी फाइनल डिस्कशन करना है करके डिस्चार्ज पेपर बनाना स्टार्ट कर देंगे। सो येस, आई एम फाइनली गोइंग बैक होम, तो अभी मैं आप लोगों को शायद घर जाके ही मिलूँगी, और वहाँ से आगे तक चीज़ कंटिन्यू करूँगी। बाय बाय, टेक केयर।